हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवांगी। वेलकम टू आवर ऑन आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान प्री पीजी एग्रीकल्चर सॉल्व क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। लेकिन उसके पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, बेगिंग अ फ्रूट विथ पेपर बैग एंड मसलिन क्लाथ इन पोमग्रेनेट इज डन अगेंस्ट विच पेस्ट। यानी कि जो हम टेक्निक अपनाते हैं, यानी कि जो बेगिंग ऑफ फ्रूट्स करते हैं हम मसलिन क्लाथ से, बेसिकली अनार के फ्रूट्स के लिए, तो उसमें हम बेसिकली किस कंट्रोल को रेसिस्ट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक जो हमारी यूज़ होती है वो होती है आपकी डीओ ड्रेकिस आइसोक्रेट को करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डोमिनेंस ऑफ न्यू जेनेटिक फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट चेंज इज कॉल्ड। यानी कि जो डोमिनेंस होता है न्यू जेनेटिक फॉर्म का एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो भी चेंजेस होते हैं उनको हम नेचुरल सेलेक्शन के प्रोसेस में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग अन्यू। यानी कि कौन सा वर्ड इसमें से ऐसा है जिसका मीनिंग होता है फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरुआत से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सेकेंड है डी नोवो, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम इम्फेसिस। यानी कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है। तो जो आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल ड्राइंग लैंड फार्मिंग सिस्टम होता है, इसमें आपका जो है कन्वर्जन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हम इंक्लूड करते हैं। अगला है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एपोमिक्सिस। यानी कि इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो एपोमिक्सिस का फॉर्म नहीं है। ऑप्शन है आपका एपोगैमी, पर्थेनोजेनिसिस, एपोस्प्री एंड सेल्फिंग। तो जिसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज सेल्फिंग, ये आपका जो है ये एपोमिक्सिस का फॉर्म नहीं है। ओके, अगला है हमारा, द कॉमन श्रब यूज फॉर ग्रीन लीफ मैन्योरिंग इज। यानी कि जो कॉमन श्रब यूज होती है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में, उनको हम क्या बोलते हैं। तो जो कॉमन श्रब यूज होती है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में, वो होती है आपकी सन हेम्प। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। अगला है, विच माइक्रोबियल स्पीसीज आर यूज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर द प्लांट पैथोजन अंडर फील्ड कंडीशन। यानी कि कौन सा ऐसा इसमें से माइक्रोबियल स्पीसीज है जो एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं प्लांट पैथोजन में फील्ड कंडीशन के अंडर की अगर हम बात करें तो। तो यहाँ पे आपका जो ट्राइकोडर्मा है, जो ऑप्शन नंबर 1, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ट्राइकोडर्मा है हम उसको यूज करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ नेस्टिंग बिहेवियर इज सीन इन एपिस सेरेना इंडिका। यानी कि जो एपिस सेरेना इंडिका है उसमें जो है बेसिकली किस टाइप का नेस्टिंग बिहेवियर सीन होता है। तो जो आपका एपिस सेरेना इंडिका है उसमें जो आपका नेस्टिंग बिहेवियर पाया जाता है वो होता है आपका पैरेलल कॉम्ब टाइप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉइल वाटर पोटेंशियल एट एफसी रेंज फॉर्म। जो सॉइल वाटर पोटेंशियल होता है उसकी रेंज कितनी है। तो सॉइल वाटर पोटेंशियल एट एफसी की जो रेंज है वो होती है आपकी -0.01 से लेकर के -0.03 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोरिस्पिरेशन इज द प्रोसेस अकर्स इन। जो फोटोरिस्पिरेशन है इसकी प्रोसेस कहाँ पे होती है। फोटोरिस्पिरेशन की प्रोसेस आपकी कहाँ पे होती है। तो हमारी फोटोरिस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी प्रोक्सिम्स इन एसोसिएशन विथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकांड्रिया। यहाँ पे जो है फोटोरिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आपका 3rd ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर्मिंग सिस्टम रिसर्च इन्वॉल्व, जो फॉर्मिंग सिस्टम में हम जो रिसर्च करते हैं उसमें क्या क्या थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। तो फॉर्मिंग सिस्टम के रिसर्च में जो थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं वो होता है कि हमारा लो कॉस्ट लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे बेसिकली ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द टर्म नोबलाइजेशन इज कॉमन इन, जो नोबलाइजेशन टर्म है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है। तो नोबलाइजेशन टर्म आपका सुगर केन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा परसेंट ऑफ P2O5 इन अ सिंगल सुपर फॉस्फेट इज, अगर हम परसेंट की बात करें सिंगल सुपर फॉस्फेट में P2O5 की तो वो कितना होता है लगभग। तो जो परसेंट होता है आपका P2O5 का सिंगल सुपर फॉस्फेट में वो होता है आपका 16%। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा रस्ट पैथोजन बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ फंजाई, जो रस्ट पैथोजन होते हैं वो कौन से ग्रुप ऑफ फंजाई से बिलोंग करते हैं। तो रस्ट पैथोजन आपके हमारे एस्कोमाइसिटीज जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ कंट्रोलिंग इंसेक्ट बाय स्टरलाइजिंग देम वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय, यानी कि जो आइडिया है कंट्रोलिंग ऑफ इंसेक्ट बाय स्टरलाइजेशन इसको पहली बार किसने दिया था। तो ये दिया गया था आपका ईएफ किनप्लिंग के द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच सिस्टम ऑफ ड्रेनेज अरेंजमेंट डेड फरोज आर फॉर्म, यानी कि किस सिस्टम में जो ड्रेनेज अरेंजमेंट का सिस्टम है उसमें डेड फरोज मिलते हैं। तो जो डेड फरोज मिलते हैं वो आपके मिलते हैं बेडिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एन एरोबिक रिस्पिरेशन इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिजल्ट, यानी कि एन एरोबिक अगर रिस्पिरेशन होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो उसके रिजल्ट के में हमें क्या मिलता है, यानी कि एनरोबिक रिस्पिरेशन जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है तो उसके बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है या फिर प्रोडक्शन होता है। तो एनएरोबिक फर्मेंटेशन के बाद रिस्पिरेशन के बाद हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है आपका एथेनॉल या तो लैक्टिक एसिड या CO2 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बैक क्रॉसिंग मेथड इज यूज्ड, जो बैक क्रॉसिंग का मेथड है वो किस में यूज किया जाता है। तो बैक क्रॉसिंग का मेथड जो है वो आपका सिंगल ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए हम बैक क्रॉसिंग मेथड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंगल क्रॉस हाइब्रिड डबल क्रॉस हाइब्रिड और सिंथेटिक वेराइटीज एंड कंपोजिट वेराइटीज और कॉमन इन, जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड होते हैं या फिर सिंथेटिक वेराइटी या एंड कंपोजिट वेराइटी जो होते हैं किसमें कॉमन होते हैं। तो ये आपके जो कॉमनली हैं ये मिलते हैं आपके मेज में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज द नेशनल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ऑल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, यानी कि नेशनल लेवल पे ऐसी कौन सी बॉडी है जो ऑल इंडिया लेवल पे फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये है आपकी FAI। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस इज कॉज्ड बाय, जो व्हाइट रस्ट होता है क्रूसीफेरी में वो किसकी वजह से होता है। तो व्हाइट रस्ट जो होता है क्रूसीफेरी का वो आपका होता है एल्बिगो कैंडिडा की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट प्लांट ओनली कुसमी स्ट्रेन ऑफ केरिया लैका कैन बी डेवलप्ड बाई, यानी कि कौन सा ऐसा होस्ट प्लांट है जिससे कुसमी स्ट्रेन ऑफ केरिया लैका डेवलप किया जाता है। तो वो है आपका सोरिया ओलेसा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है ये तो सस्टेनेबल फार्मिंग का में आता है, कंसीडर किया जाता है। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी ये भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंपोनेंट है। INP एंड IIP ये भी आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंपोनेंट है। बट सॉइल डिग्रेडेशन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोपोनिक्स इज द टेक्निक ऑफ, जो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक होती है वो बेसिकली किससे रिलेटेड होती है। तो हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली हमारा जो होता है ग्रोइंग प्लांट
जो होता है इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, इसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। यानी कि जो प्लांट की हम ग्रोथ कराते हैं किसी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, तो उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। अगला है हमारा, वन साइकिल ऑफ सिंपल रिकरेंट सेलेक्शन इज कंप्लीटेड इन, जो वन साइकिल होता है सिंपल रिकरेंट सेलेक्शन का, वो आपका लगभग 4 ईयर में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सुगर केन वैरायटी कवरिंग द मैक्सिमम एरिया इन द कंट्री इज, जो सुगर केन की वैरायटी है जो कवर करती है मैक्सिमम एरिया कंट्री में, वो कौन सी वैरायटी है? तो बेसिकली जो आपकी CO0238 वैरायटी है सुगर केन की, वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है अगर अपने कंट्री की बात करें तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सजेस्ट द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट, किसने जो है फंक्शनल न्यूट्रिएंट का टर्म जो है सजेस्ट किया था? तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट का जो टर्म है वो दिया गया था निकोलस के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो करेक्ट हो जाएगा, द फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म गिवन बाय निकोलस। ओके, अगला है हमारा, फाइटोप्लाज्मा बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फाइटोप्लाज्मा किस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है? तो जो फाइटोप्लाज्मा है वो हमारे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। अगला है हमारा, अंडर एल्कलाइन कंडीशन क्या होता है? अंडर एल्कलाइन कंडीशन की अगर बात करें तो हमारा जो RNA होता है वो रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज अ पुअर मैन मीट, तो कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको हम पुअर मैन के मीट के नाम से भी जानते हैं? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रंट लाइन एंड मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन आर एग्जाम्पल ऑफ विच एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, यानी कि जो फ्रंट लाइन एंड मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है वो किसका एग्जाम्पल है, कौन से एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का एग्जाम्पल है? तो ये जो है आपके ग्रुप कॉन्टैक्ट टीचिंग मेथड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिकॉम्बिनेशन, ये इसका भी आंसर जो है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 33 जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज डोमिनेंट इन एल्कली सॉइल, एल्कली सॉइल में कौन से टाइप का जो सॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? तो जो आपका सॉल्ट है HCO3, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल सर्वे इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाटर सेड प्लानिंग, अगर वाटर सेड की कोई प्लानिंग कर रहा है तो उस कंडीशन के लिए कौन सा सॉइल सर्वे जो होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है? तो इसके लिए जो हम सॉइल सर्वे कराते हैं वो आपका होता है हमारा रिकनिसियंस सर्वे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd है, रिकनिसियंस सर्वे, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड रॉट डिजीज ऑफ सुगर केन इज कॉज्ड बाई विच फंगस, रेड रॉट डिजीज जो है सुगर केन की वो किस फंगस से होती है? तो रेड रॉट डिजीज सुगर केन की आपकी होती है कोलेटोट्राइकम फ्लैकेटम की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd जो है वो करेक्ट है। अगला है, विच ऑफ दीज एंजाइम रिक्वायर ATP GTP, यानी कि ATP या GTP में कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? तो जो ATP या GTP है उसमें हमारे जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आपका लाइगेजेस, लाइगेजेस एंजाइम रिक्वायर्ड इन द ATP या GTP। ओके, नेक्स्ट वन इज अ पर्ल मिलेट ब्लैक ग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरक्रॉपिंग ऑफ विच स्टेट, यानी कि पर्ल मिलेट एंड ब्लैक ग्राम की इंटरक्रॉपिंग का पैटर्न जो है वह किसी एक स्टेट में पॉपुलर है, उस स्टेट का नाम बताना है। तो जो स्टेट है हमारा वो है राजस्थान, राजस्थान में जो है पर्ल मिलेट एंड ब्लैक ग्राम का जो है इंटरक्रॉपिंग वो राजस्थान में होता है। अगला है हमारा, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लॉन्च्ड दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रीइंप्लीमेंट प्रोग्राम इन 1995 विच वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी मोड, ओके, इंश्योरिंग ग्रेटर लिंकेज बिटवीन साइंटिस्ट एंड फार्मर इन अ बॉटम अप्रोच, यानी कि कौन सा ऐसा जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिफाइनिंग प्रोग्राम जो 1995 में लॉन्च किया गया था बाय द एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो आपके बेसिकली इंश्योर कर सके लिंकेज को साइंटिस्ट और फार्मर के बीच में। तो वो जो प्रोग्राम था उसका नाम था आपका AVLP। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd है वो बिल्कुल सही है। अगला है, द प्रोसेस ऑफ हेरिटेबल स्ट्रक्चर चेंजेस इज जीन इज नोन एज, अगर कोई हेरिटेबल स्ट्रक्चर चेंज होता है जीन में तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर कोई हेरिटेबल स्ट्रक्चर का चेंज होता है जीन में तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ सॉइल हैज PS 4.5 देन विच टाइप
सॉयल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ लाइम फॉर रिक्लेमेशन, यानी कि अगर किसी सॉयल का पीएच 4.5 है, अगर उस सॉयल को हम रिक्लेमेशन करना है, तो कौन सी ऐसी सॉइल है जो मोर अमाउंट ऑफ लाइम की रिक्वायरमेंट करेगी, तो वो है आपकी क्ले। अगला क्वेश्चन है हमारा, मडी रन ऑफ फ्रॉम द फील्ड इज एन इंडिकेटर ऑफ, अगर मडी रन ऑफ हो रहा है किसी फील्ड से तो ये किस कौन से टाइप इरोजन का इंडिकेटर है, तो वहाँ पे जो है गुली इरोजन टाइप का इंडिकेटर है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका दो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिलेटिनियस मैट्रिक्स इन मेलियोडेनिक इज सिक्रेटेड बाई, जो जिलेटिनियस मैट्रिक्स होता है मेलोडी जिनसे जो सिक्रेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है आपका रेक्टल ग्लैंड से ये बेसिकली सीक्रेट होता है। ओके अगला है, रेंसिडिटी ऑफ लिपिड इन लिपिड रिच फूड स्टफ इज बिकॉज ऑफ, जो रेंसिडिटी है लिपिड में, लिपिड की बेसिकली, वो लिपिड रिच फूड प्रोडक्ट में किस वजह से होती है, तो बेसिकली अगर ऑक्सीडेशन होता है आपके फैटी एसिड का, क्योंकि लिपिड जो है हमारे वो फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं, तो जो लिपिड है उसमें फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर हाई टेम्परेचर पे जब उसकी बहुत हीटिंग होती है, तो वहाँ पे डेंसिटी कॉज होती है, और उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाए आपका फैटी एसिड का। अगला है हमारा, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्टीजेंट क्रॉपिंग ग्रोइंग अंडर, कौन सा ऐसा जो है वो कंपोनेंट नहीं है कॉन्टीजेंट क्रॉपिंग का, तो कॉन्टीजेंट क्रॉपिंग की अगर बात करें तो उसमें आपका जो है नॉर्मल वेदर कंडीशन जो है नहीं आता है, ये उसका कंपोनेंट नहीं है। अगला है हमारा, मिस्टर एफ एल ब्रायने वॉज एसोसिएटेड विथ, एफ एल ब्रायने जो है वो किससे एसोसिएटेड थे, तो एफ एल ब्रायने जो है वो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड थे। अगला है हमारा, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज एन अनओपेंड फ्लावर बर्ड इज कॉल्ड, जो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है अनओपेंड फ्लावर बर्ड में उसको क्या बोलते हैं, तो जो पॉलिनेशन एंड होता है फर्टिलाइजेशन वो उसको हम बोलते हैं सेलिस्टोगैमी, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर टू है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच न्यूट्रिएंट माइक्रोबियल प्रोसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट टू मेक इट अवेलेबल, यानी कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोबियल प्रोसेस को ज़्यादा अवेलेबल कराने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच माइक्रोब इज कॉमनली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज, अगर एल्कोहलिक बेवरेज के प्रोडक्शन की हम बात करें तो उसमें से कौन सा ऐसा माइक्रोब्स है जो कॉमनली यूज किया जाता है, तो वह है आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू रीजनरेट इन टू अ होल प्लांट फ्रॉम विच इट वॉज डिराइव इज नोन एज, जो एबिलिटी होती है किसी सिंगल सेल की दोबारा से रीजनरेट कर जाने की होल प्लांट में जिससे ये डिराइव्ड हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन है हमारा, अ फार्मर अप्लाइड 100 लीटर ऑफ हर्बिसाइड सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ 0.2%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड अप्लाइड, तो अगर कोई फार्मर जो है अप्लाई कर रहा है 100 लीटर हर्बिसाइड सॉल्यूशन और उसमें जो कंसंट्रेशन उसने रखा है 0.2% है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका हर्बिसाइड अप्लाई किया गया है उसमें सॉल्यूशन में घोला गया है वो है आपका 20 ग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूज्ड एज अ विजुअल एक्सटेंशन एड दिस आर द सीरीज ऑफ कॉर्ड विच वेन प्रेजेंटेड बिफोर द ऑडियंस इन प्रॉपर सीक्वेंस टेल अ कंप्लीट स्टोरी, जब हम कोई विजुअल एक्सटेंशन ऐड कर रहे होते हैं या फिर किसी को हम ऑडियंस को बता रहे होते हैं प्रॉपर सीक्वेंस के लिए, तो उस सीक्वेंस में चीज़ों को करने के लिए एक पर्टिकुलर कार्ड का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैश कार्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन क्लास ऑफ सर्टिफाइड सीड इन इंडिया, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कॉमन क्लास ऑफ सर्टिफाइड सीड इन इंडिया में कंसीडर किया जाता है, तो वो है कंसीडर नहीं किया जाता है सॉरी, तो वो है आपके रजिस्टर्ड सीड। ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, किसी ऑर्गेनिक मैटर में जो कार्बन कंटेंट है वो कितना होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में जो कार्बन कंटेंट होता है वो आपका होता है लगभग 58%। अगला है हमारा, अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट ऑफ ए हायर प्लांट इज कॉल्ड, अगर सिम्बियोटिक एसोसिएशन की बात करें फंगस का किसी रूट से रूट ऑफ हायर प्लांट से, तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है
वो करेक्ट हो जाता है। जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसी फंगस का रूट के साथ होता है तो वो आपका माइकोराइजा में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्पीसीज ऑफ रूट नॉट निमेटोड दैट अटैक वीट इज, जो रूट नॉट निमेटोड होता है बेसिकली जो गेहूं पे अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रेटी लिंकस थोरेनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है प्रेटी लिंकस थेरोनी वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होल पॉड एडिबल वैरायटी ऑफ पीज, अगर होल पॉड एडिबल वैरायटी ऑफ पी की बात करें तो होल पॉड एडिबल वैरायटी ऑफ पी जो है वो होती है आपकी अर्का अपूर्वा, ये जो है आपकी होल पॉड एडिबल वैरायटी है अर्का अपूर्वा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू प्रोवाइड द रिसर्च वर्कर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम बींग फेस्ड बाई अ फार्मर इन अडॉप्टिंग हाई यील्ड वैरायटी एंड रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिस वॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये किसका ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है लैब टू लैंड प्रोग्राम का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लो सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट ट्री इज, जो लो सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट ट्री है वो कौन सी है, तो वो है आपका एप्पल। अगला क्वेश्चन है, द मिडिल मैन विच एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्लाइंट आर कॉल्ड, जो मिडिल मैन है जो एक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्लाइंट, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है आपका एजेंट मिडिल मैन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जियोग्राफिकल सीड सोर्स फ्रॉम वेयर सीड ऑफ एनी स्पीसीज आर कलेक्टेड इज नोन एज, कोई भी जियोग्राफिकल सीड सोर्स जहाँ से हम कोई सीड जो है लेते हैं कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो आपका बोला जाता है सीड सोर्स, क्योंकि आप वहाँ से सीड को कलेक्ट कर रहे हो। अगला है हमारा, इंडिविजुअल सेलेक्शन इज प्रिफर्ड वेन हेरिटेबिलिटी ऑफ द ट्रेट कंसीडर्ड इज, इंडिविजुअल सेलेक्शन की अगर बात करें तो वो किस टाइम पे प्रेफर किया जाता है, तो ये आपका हाई टू वेरी हाई कंडीशन में जो है प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा, द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ लीफ लीटर वेरीज फ्रॉम, जो आपका नाइट्रोजन कंटेंट है लीफ लीटर वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो जो हाइड्रोजन कंटेंट है लीफ लीटर का वो आपका वेरी करता है 150 to 300 kg तक। ओके, अगला क्वेश्चन है, केकीज एंड स्यूडो बल्ब्स आर प्रोपेगेशन यूनिट ऑफ विच कट फ्लावर, यानी कि केकीज एंड स्यूडो बल्ब्स जो है ये किसके प्रोपेगेनिस यूनिट हैं, किसके कट फ्लावर के, तो ये आपके जो हैं ये आते हैं आपके ग्लैडुलस के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन फॉर्म टेस्टिंग टू असेस द लोकेशन स्पेसिफिकली ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अंडर वेरियस फार्मिंग सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो वन फॉर्म इन टेस्टिंग ऑफ असेस लोकेशन स्पेसिबिलिटी है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो ये आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये आपकी IRDP की होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो किसके लिए सुटेबल नहीं है, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो आपका बेसिकली जो क्लोज ग्रोइंग प्लांट होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिटैचमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज टर्म एज, जो डिटैचमेंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन आप या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है सॉइल पार्टिकल का इस जगह से दूसरी जगह, उसको हम सॉइल एरोजन में कंसीडर करते हैं। अगला है, इन विच फ्रूट ट्री फ्रूट बर्ड बॉर्न टर्मिनली, जो कौन सा ऐसा फ्रूट ट्री है जिसमें फ्रूट बर्ड जो है वो टर्मिनली जो है बॉर्न, उनकी जो बर्ड है वो टर्मिनली बॉर्न होती है, तो वो होते हैं आपके मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन, इसमें से कौन सा है जो आइसो रेवेन्यू लाइन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में से जो आपका 3rd ऑप्शन है दैट इज स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन इंडिकेट द इनवर्स प्राइस रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, यह आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आइसो रेवेन्यू लाइन का। नेक्स्ट वन इज मेन कंटेंट ऑफ कथा इज, तो मेन कंटेंट जो है कथा का वो क्या होता है, तो मेन कंटेंट जो है वो कथा का वो है आपका मेन कंटेंट जो है कथा का वो आपका कंसीडर किया जाता है कैटेचुटेनिक एसिड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2nd है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट वन इज अ कूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, जो कूलिंग है वो किसकी प्रोसेस है, तो कूलिंग जो है वो आपकी प्रोसेस होती है एलिमिनेटिंग सरप्लस एंड अनडिजायरेबल एनिमल्स का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो वन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट मेज एंड पॉपुलर प्लस लाइव स्टॉक गिव राइज टू अ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ये किस तरीके एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में आता है, तो ये आपका आता है एग्री सिल्वी एंड पोस्टोरल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में। नेक्स्ट वन इज अ कैलिक्स स्प्लिटिंग इज अ मेन पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर ऑफ कट फ्लावर, ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है रोज से। नेक्स्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एनालाइज द सिचुएशन, किसी फैक्ट को कलेक्ट करना, सिचुएशन की एनालिसिस करना, देन आइडेंटिफिकेशन करना प्रॉब्लम की, देन अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमिन करना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्लान ऑफ वर्क बनाना, देन उस प्लान ऑफ वर्क का एग्जीक्यूशन एंड इवेल्यूएशन द एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेप, ये किस में आता है, तो ये आपके सारे जो हैं प्रोग्राम प्लानिंग के प्रोसेस हैं, यानी कि अगर किसी प्रोग्राम की आप प्लानिंग कर रहे होते हो तो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है एक परफेक्ट प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज़ इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द फूड प्रोडक्ट ऑर्डर इन द ईयर, जो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर था वो कौन से ईयर में पास किया गया था, तो वो था आपका 1955 में। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ अनडिस्काउंटेड मेजर ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, अगर प्रोजेक्ट अप्रेजल की बात करें तो कौन सा ऐसा है जो अनडिस्काउंटेड मेजर है प्रोजेक्ट अप्रेजल का, तो वो है आपका पे बैक पीरियड। नेक्स्ट वन इज अ प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वॉज लॉन्च इन, जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है वो कब लॉन्च किया गया था, तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हमारा लॉन्च किया गया था 2009 में। नेक्स्ट वन इज अ परचेज ऑफ डेयरी एनिमल शुड बी बेस्ड ऑन, अगर किसी डेयरी एनिमल का परचेज करने जा रहे हो तो कौन से चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बेसिकली कौन सी ब्रीड है, ठीक है, एंड उस ब्रीड के क्या करेक्टरिस्टिक है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द वॉट इज़ द एज ऑफ एनिमल एंड वॉट इज़ द एक्चुअल इल्ड ऑफ दैट मिल्क ऑफ दैट एनिमल। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ फायर फ्लाइज बिलोंग टू विच ऑर्डर, जो फायर फ्लाइज है वो आपके फ्लाइज वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो फायर फ्लीज जो होते हैं ये आपके बिलोंग करते हैं कोलियोपेट्रा से, कोलियोपेट्रा जो है ये फायर फ्लीज इधर से ही बिलोंग करते हैं, ये इनका ऑर्डर है। नेक्स्ट वन इज अ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर स्नोबॉल टाइप कॉलीफ्लावर वेराइटीज, अगर स्नोबॉल टाइप कॉलीफ्लावर वेराइटीज की बात करें तो कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है उनके लिए, तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो होता है इस केस में होता है 22-25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट वन इज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वेयर लॉन्च्ड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इन विच ईयर, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया था डिफरेंट फ्रंट जो डिफरेंट पार्ट है कंट्री के, तो वो आपका लॉन्च किया गया था 2 में, यानी कि 1952 में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो वन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा रूबी हाइब्रिड ऑफ पोमग्रेनेट इज डेवलप्ड, जो रूबी हाइब्रिड है वो ग्रेनेट का वो कहाँ पे डेवलप किया गया था, तो ये आपका डेवलप किया गया था IIHR बेंगलुरु में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ओरिजिन में तो इंडिपेंडेंट है पर स्केल में नहीं है, तो ये है आपका रिग्रेशन कोफिशियंट जो होता है, रिग्रेशन कोफिशियंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ओके, नेक्स्ट वन इज अबूज मारिया ट्राइब्स आर फाउंड इन, जो अबूज मारिया ट्राइब्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, तो अबूज मारिया ट्राइब्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश बेसिकली, सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, तो बेसिकली बायोगैस कंसिस्ट द मीथेन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला वन क्वेश्चन है हमारा फिल्टर चैम्बर इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट, जो फिल्टर चैम्बर है वो कौन से इंसेक्ट में देखने को मिलता है, तो फिल्टर चैम्बर हमारा एफिड्स में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्वार्फ सेवेंडिस बिलोंग्स टू विच जीनोमिक ग्रुप, जो ड्वार्फ सेवेंडिस है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ड्वार्फ सेवेंडिस जो है आपका ये बिलोंग करता है आपके ट्रिपल ए ग्रुप से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के में नहीं आता है, तो नो लाइबिलिटी
इज नॉट कम अंडर द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. नेक्स्ट वन इज अ लॉयल टिम्बर ऑफ पुअर फॉर्मर इज. लॉयल टिम्बर की अगर बात करें पुअर फॉर्मर में की, तो वो आता है आपका बंबू, ये आपका लॉयल टिम्बर कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल. कौन सा मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लूसिव. नेक्स्ट वन इज अ पोजेंसी फॉर विच ओनली वन पेरेंट इज नोन. प्रोजेनी जिसके लिए सिर्फ वन पेरेंट नोन होते हैं उनको हम बोलते हैं हाफ शिप. ओके, अगला है हमारा बायोडीजल क्या है. तो बायोडीजल जो होता है ये आपका एक अपग्रेडेड वेजिटेबल ऑयल का जो है फॉर्म होता है. ओके, इसको हम बायोडीजल बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज विच इंसेक्ट पेस्ट कॉज स्केलेटनाइजेशन इन ब्रिंजल लीव्स. जो स्केलेटनाइजेशन हो जाता है ब्रिंजल लीव का वो किसकी वजह से होता है, तो बेसिकली स्केलेटनाइजेशन जो होता है ये आपका बेसिकली एफिलिंकिया विगिनोटोकोपुकंटटा से होता है. तो यहाँ पे जो है एपिलेंचा जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज अ फ्रूट ट्री पॉलिनेटेड बाई बर्ड्स आर. जो फ्रूट ट्री हैं वो पॉलिनेटेड होते हैं कौन से बर्ड से, तो फ्रूट ट्री जो बेसिकली बर्ड से जो पॉलिनेटेड होते हैं वो आपके होते हैं एप्पल एंड पियर. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो वन है वो करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है हमारा अपनी मंडी इज ऑल्सो कॉल्ड. जो अपनी मंडी है उसको हम और क्या नाम से जानते हैं, तो अपनी मंडी को हम किसान मंडी के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट वन है इन नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट ग्रास लैंड और कॉल्ड. जो टेम्परेट ग्रास लैंड होती है नॉर्थ अमेरिका की उसको हम प्रेरीज भी बोलते हैं. अगला है द बेस्ट नेटिव कैटल ब्रीड फॉर मिल्क प्रोडक्शन इज. जो बेस्ट नेटिव कैटल ब्रीड होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए उसको हम साहिवाल बोलते हैं. साहिवाल जो है वो बेस्ट कैटल ब्रीड होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए. अगला क्वेश्चन है हमारा द डायमीटर क्लास बेसिकली फॉर सेंटीमीटर फॉलोड इन इंडिया. यानी कि कौन सा डायमीटर क्लास सेंटीमीटर जो है वो फॉलो किया जाता है इंडिया में, तो इंडिया में जो फॉलो किया जाता है वो होता है आपका 2, 5, 10. अगला है हमारा विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ वॉशिंग ऑपरेशन फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल. यानी कि मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ वॉशिंग ऑपरेशन जो है वो क्या है, तो वो होता ही आपकी स्प्रे वॉशिंग. स्प्रे वॉशिंग जो होती है वो मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ वॉशिंग होती है. अगला क्वेश्चन है हमारा ओकारा एलोविन मोजेक वायरस एंड काउ पी मोजेक वायरस आर ट्रांसमिटेड बाई विच इंसेक्ट रिस्पेक्टिवली. यानी कि अगर ओकारा एलोविन मोजेक की बात करें और काउ पी मोजेक की बात करें, तो ये बेसिकली कौन से इंसेक्ट से ट्रांसफर होती है, तो ये बेमीसिया टबैकी एंड एफिस गोजीफिल गोजीपी. तो ये दोनों ही जो हैं ये रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यानी कि बेमीसिया जो है ओकारा एलोविन मोजेक के लिए एंड एफिस जो है ये आपका काउपी मोजेक वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो ये थे आपके आज का सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो राजस्थान प्री पीजी एग्रीकल्चर का था. होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है यहाँ तक आ गए हैं देखते हुए, तो मेक श्योर हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए. थैंक यू सो मच.